तिरुपति बालाजी मंदिर का संपूर्ण इतिहास अभी तक आपने जाना। नारद मुनि महामुनि सतलोक में जाकर ब्रह्म देव के दर्शन करते हैं। अब आगे चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, जैसा मैंने बताया, अभी तक आपने सुना नारद मुनि सतलोक में जाकर ब्रह्मदेव के दर्शन करते हैं। मुनिवरों से नारद अपने मन की संयंश प्रकट करते हैं। नारद महर्षि हरि नाम स्मरण करते करते भूलोक में गंगा नदी के किनारे आ पहुंचे। गंगा नदी के किनारे कश्यप महामुनि इत्यादि लोग लोक कल्याण के लिए महायज्ञ कर रहे थे। नारद महर्षि वहां पर पहुंचकर मुनिवरों से हो रहे महायज्ञ को देखकर संतुष्ट हुए। यज्ञ करने वाले मुनिगणों ने नारद का आगमन देखकर उचित रीति से उनका स्वागत किया। मुनिवरों ने अपने से हो रहे महायज्ञ के बारे में नारद को बताया। नारद सुनकर संतुष्ट हुए और कहा कि हे मनुवर, आप लोग कल्याण के लिए इस यज्ञ को कर रहे हैं, यह ठीक है, मगर इस यज्ञ का फल भोगता कौन है? त्रिदेव में से कौन इस यज्ञ का फल देगा, मुझे बताइए। मुनिवर ने मुंह से इसका जवाब नहीं मिला तो नारद ने कहा, बिना सोच विचार से करता हुआ यज्ञ निष्फल होगा। पहले आप लोग निश्चय कीजिए कि त्रिमूर्तियों में किसमें सद्गुण और शांति स्वभाव है, वही यज्ञ का फल दे सकता है। नारद की ये बात सुनकर मुनिवर शांत हुए और आपस में सोचने लगे कि त्रिमूर्तियों में सत्वान गुणवान कौन है। आखिर कुछ लोग ब्रह्मदेव के पक्ष में और कुछ लोग विष्णु देव के पक्ष में, बाकी लोग महेश्वर के पक्ष में हो गए, इसलिए एक निश्चय पर ना आ सकने के कारण बाद में आपस में इसी बात पर झगड़ा आरंभ हुआ। मुनिगण यज्ञ छोड़कर आपस में लड़ने लगे। यज्ञ स्थल युद्ध क्षेत्र बन गया। मंत्रों के उच्चारण के बदले दूषण भाषण की वर्षा होने लगी। यह देख नारद ने मुनियों से कहा, हे मुनिवर, आप लोग आपस में लड़ना अच्छा नहीं है। आप लोगों को पहले यह जानना चाहिए कि त्रिमूर्तियों में सत्वगुण किसमें अधिक मात्रा में है। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण नामक इन तीन गुणों में सत्वगुण प्रधान है। अब सोचिए त्रिमूर्तियों में इस गुणों की परीक्षा लेने वाला कौन है। नारद की इस सलाह को सुनकर कोई भी आगे नहीं आ सका और किसी में भी त्रिमूर्ति की परीक्षा लेने की ताकत नहीं थी। आखिर नारद ने बताया, आप लोगों में से श्रेष्ठ तपोधन भृंगु महर्षि हैं। भृंगु महर्षि ही यह परीक्षा कर सकते हैं। नारद की इस सूचना से सब लोग आनंदित हुए और भृंगु महर्षि को त्रिमूर्तियों की परीक्षा लेने का अधिकार दिया। भृंगु महर्षि भी नारद की इनसे सूचना को मान लिया और त्रिमूर्तियों की परीक्षा लेने निकल गए। नारद सूचना को मान लिया और त्रिमूर्तियों की परीक्षा लेने निकल गए। नारद मन ही मन संतुष्ट हुए कि भृंगु का घमंड अब निकल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे दोस्तों, इसका भाग तीसरा मैं जल्द ही लेकर आऊंगी। अगर आपको ये तीसरा भाग जानना है तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं हम अपने चैनल द्वारा आप तक साझा करते हैं। दोस्तों, अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।